हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब ये जो रीडिंग हम करने वाले हैं आपकी पर्सन की, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर रीडिंग है, मतलब करंट फीलिंग्स की रीडिंग है। एंड लेट्स सी, अपना जो सोच है अपने पार्टनर के लिए, बिल्कुल उनके बारे में सोचिए। और ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर की इस वक्त क्या फीलिंग्स है आपके लेकर, करेंटली फीलिंग्स क्या है उनका। द बफेलो रन फ्री। ओके, आई थिंक ये पर्सन लियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं, उनके सिचुएशन के बारे में वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। हो सकता है उन्होंने जब आपसे दूर जाने की सोची, या फिर जब वो दूर गए उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा था, या फिर अभी हो रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइक आप उनको बहुत बांध के रखते थे, यू नो, आप ओवर पोजेसिव हो उनके लिए। शायद ये पर्सन आपको वो कहना चाहते हैं कि आपका जो प्यार है एक्चुअली उनको पोजेसिवनेस लगा, और शायद उनको लगा कि वो बहुत ज्यादा बंध के रह रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पर्सन थोड़ा सा टाइम यहाँ पर चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होगा कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लेने के बाद इस रिश्ते में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। इन्होंने जितना जाना था दूर जा चुके हैं, जितना भागना था भाग चुके हैं, अभी यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब चीजें रिन्यू होगी, जो पुराने चीजें हैं, पुराने प्रॉब्लम्स है, अगर उसी को ही मतलब आधार करके, उसी को ही इंपॉर्टेंस देके ये पर्सन आपसे दूर गए थे, अभी वो उस पर्सन को बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं। वो उस पर्सन को, सॉरी, उस चीजों को छोड़ देंगे, उन प्रॉब्लम्स को छोड़ देंगे, और अगर उनका कुछ गुस्सा था आपके लिए वो आपको माफ कर देंगे। और उनको लगता है कि पुराने जितने भी बातें हैं, आपस में रंजिशें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ओवर हो जानी चाहिए। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, आगे आपको दिखाई देगा और आप भी आपकी तरफ से करोगे, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ही एक प्रेशियस पर्सन हो, आपके जैसा शायद ही कोई होगा। ठीक है, लाइक यू आर लाइक अ जेम, आप जेम की तरह हो। जो आज देखो, आजकल की दुनिया में सच्चा प्यार एक्चुअली नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को ही मिलता है। और इनको ऐसा लगा कि लाइक सच्चा प्यार ने खो दिया, इन्होंने खो दिया सच्चा प्यार को। और कहीं ना कहीं उनको, इनको इस वक्त यही लग रहा है कि वो उस प्यार को एक्सेप्ट करना ही बेहतर है, खोना एक मूर्खता है उनके लिए। ठीक है, ये पर्सन काफी स्ट्रांगली सोच रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बट यस, ये ना आपकी लाइफ में काफी स्मूथ एंट्री लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल आएंगे और आपको बिल्कुल बोलेंगे कि बस तुम्हारे लाइफ में एंट्री चाहिए, जबरदस्ती चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये धीरे धीरे ही आएंगे काफी स्मूथली। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जो सिचुएशन है, जितना प्यार से हैंडल किया जाए उतना सही होगा। ठीक है, अभी जो भी सिचुएशन है, अगर वो गुस्से में कुछ बोलते हैं, आप गुस्से में कुछ रिएक्ट करोगे और चीजें जो है और ज्यादा खराब होगी। तो उनको बेसिकली लग रहा है कि आने वाले दिनों में, या फिर इस वक्त भी, ये पर्सन आपके साथ जो चीजों को है वो विथ लव, विथ केयर हैंडल करना चाहते हैं, ना कि और भी ज्यादा एटीट्यूड दिखा के या फिर ईगो दिखा के। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं और क्या है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसीस एंड स्कॉर्पियो। देखो, ये पर्सन की तरफ से मुझे बार बार यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत जल्दी मिलन होगा। आप मिलोगे एक दूसरे से, दिमाग में आ चुका है उनका आपसे मिलने का, और आने वाले दिनों में ये चीज और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अगर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट था, तो इसका मतलब ये है कि
आप लोग नो कांटेक्ट से बाहर निकलने वाले हो, ये पर्सन स्लो स्लो मूवमेंट लेने के लिए सोच रहे हैं इस रिश्ते में, और बहुत ही जल्दी नो कांटेक्ट से आप दोनों बाहर निकल जाओगे। आधा पॉजिटिविटी तो रीडिंग के अंदर मिल जाती है। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स है कि वो पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, जो मतलब एक मेन एलिमेंट है मैनिफेस्टेशन का, पॉजिटिव सोचना। बहुत सारे लोग नहीं सोच पाते हैं, तो रीडिंग देखते देखते जो लोग पॉजिटिव होते हैं, एक ना एक दिन उनका रियूनियन हो ही जाता है, या फिर कहीं ना कहीं से तो पॉजिटिविटी मिल रही है। अब रीडिंग देख के भी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनका दिमाग में 24 आवर ही नेगेटिविटी चलती है। ऐसे लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है रियूनियन में। तो आपको जहां से जब भी जैसे भी रीडिंग्स भी देखते देखते अगर पॉजिटिविटी मिल रही है, उसको क्लेम करो और मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस को इजी बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड। देखो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि इस वक्त बिल्कुल रेडी है फ्यूचर के लिए, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए रेडी है। वो आगे का सोच रहे हैं, अभी उनको पीछे की कुछ नहीं पड़ी है, अभी वो कुछ भी नहीं नेगेटिव सोच रहे हैं, वो दिमाग के साथ चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड लेने के लिए ही सोच रहे हैं। हालांकि उनकी जो क्या बोलते हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो होगी, लेकिन है जरूर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे ऐसे दिखा रही है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कंपैटिबिलिटी की। वो कुछ बोलते हैं आप नहीं समझ पाते हो, आप कुछ बोलते हो वो नहीं समझ पाते हैं। तो हो सकता है कि आप दोनों का जो दिमाग है वो अलग तरीके से काम करता है, दोनों अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटी हो। वो हो सकता है ज्यादा दिमाग से बात करते हैं, आप दिल से बात करते हो। तो देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनको अगर फील हुआ होगा कि लाइक आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, इस रीजन से भी उन्होंने कहीं ना कहीं मूव ऑन किया होगा। लेकिन अभी उनको क्या लग रहा है, अगर दोनों आप दोनों इस रिश्ते के ऊपर काम करोगे, कम्युनिकेशन सही से होगा, आप उनके कुछ नेचर को कॉम्प्रोमाइज करोगे वो आपको, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा और वो के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स। यहाँ पर राशियां यहाँ पर है जमना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कभी कभी, बहुत ज्यादा इनको तकलीफ हो जाती है कभी कभी, बहुत मिस करते हैं आपको। खास करके जो चीज अच्छी है उनको वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, जो चीज आप दोनों के बीच में खराब हो गई है वो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ भी करे वो उनके दिमाग में चीजें जो है वो आ ही जाती है, वो कुछ भी करे चीजें जो है वो आ ही जाती है और उसको वो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एट ऑफ कप्स। देखो इनको बहुत ही ज्यादा रिग्रेट है, इन्होंने जिस भी पॉइंट पर मूव ऑन किया था ना आपके लाइफ से, बहुत ही उनको रिग्रेट है उस चीज का। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर कोस रहे हैं, क्या जरूरत थी मुझको उस वक्त मतलब बिल्कुल बाहर निकल जाना या फिर बिल्कुल भूल जाना, उस चीज को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं और ये इमोशनल लॉस भी उनको फील हो रहा है, तो अपनी गलती का एहसास उनको हो रहा है। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ये पर्सन को अभी आपको वो लौटानी है जो आपने इनको दिया है, मतलब प्यार, रिस्पेक्ट, ओके, ये सब चीजें उनको आपको देनी है। लेकिन यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, रीडिंग करूंगी लेकिन थर्ड पार्टी की, लेकिन थोड़ी आपके लिए फीलिंग्स और देख लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेवन ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप उनकी लाइफ से कहीं नहीं गए हो, आप उनके लाइफ में हो, उनके लाइफ के एक पार्ट हो, वो आपको याद करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, वो आपके बारे में सपना देखते हैं, यू नो, दूर होकर भी दूर नहीं हो पाए हो आप दोनों एक दूसरे से, और वो तो आपको कुछ ज्यादा ही मिस करते हैं और वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मिस करते हैं, आपके हंसना, आपका रोना, आपका गुस्सा होना, आपकी काफी कुछ बातों को वो याद मिस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सोर्ड, जमना, एक्वेरियस, लिब्रा। देखो ये पर्सन को बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर तरस आता है, वो ऐसा बोलते हैं जैसे मैं क्या करूं जैसे कि आपको भूल जाए, लेकिन उनके पास कुछ राह नहीं है, वो आपको भूल नहीं पाते हैं, उस चीज का रिग्रेट है और उनको इसकी चीज का भी रिग्रेट है, मैं तो रह नहीं पा रही हूं उसके बिना, तो मैंने क्यों छोड़ा, मैंने ये गलती क्यों की, कहीं ना कहीं अपनी गलती का बहुत स्ट्रांगली इनको एहसास है। अभी मैं थर्ड पार्टी के साथ क्या एनर्जीज है उसको थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ, नॉइज बहुत ज्यादा है। थर्ड पार्टी के साथ द डेविल का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी
यहाँ पर देखो, थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, थर्ड पार्टी के साथ मुझे प्यार नहीं दिख रहा है, इनके दिल में कोई और है, मतलब इनके दिल में आप हो, थर्ड पार्टी के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन है, या फिर ऐसे बंध गए हैं, ऐसा कोई मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है। और बॉटम में देखे यहाँ पर द फूल का कार्ड है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ इनका मुझे कोई आगे तो प्लान नहीं दिख रहा है, बल्कि थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा रिस्क उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर रहने से मेरी लाइफ में रिस्क है। तो आप बेसिकली थर्ड पार्टी का टेंशन लेना छोड़ दो, थर्ड पार्टी के साथ वो बंधे हुए हैं, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन वहां से निकल जाएंगे, कुछ प्लान्स नहीं है उनका थर्ड पार्टी के साथ। बाकी नेक्स्ट एक्शन के लिए यहाँ पर है सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का, और एक कार्ड लेंगे टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी थोड़े से थर्ड पार्टी और आप में थोड़े से प्रॉब्लम में है, परेशान में है, क्या करें, बट डोंट वरी, ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट ही है और ये पर्सन कैसे भी करके आपके पास जिंदगी में लौटेंगे ही लौटेंगे, आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी उनको अप्स एंड डाउन फेस करने दो, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को चुना था और उनको थोड़ा परेशान होना जरूरी है एक इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में, मतलब आपके बारे में ज्यादा समझने के लिए, ठीक है। और Within 6 days या फिर 6 hours, 6 months आपकी बात हो सकती है, काफी टाइम से आप यहाँ पर वेट कर रहे हो। यहाँ पर एक और चीज मुझे दिख रही है, प्रॉब्लम है मनी, हो सकता है कि ये पर्सन पैसे को लेकर भी बहुत परेशान है, जब तक वो नहीं होता वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पर, बाय गाइज।